नहीं आवाज। चलो ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? यस यस म्यूट रखना ठीक है। कोई न्यू है क्या आज? कोई न्यू है? एनीवन न्यू? एनीवन सब लोग आ गए या फिर आप लोगों का फिर से लेक्चर है इसके बाद? यस सर। यस यस यस। कितने बजे? 5 बजे का पांच मिनट। 5 बजे। 5 बजे। कोई बात नहीं फिर, ठीक है आज के दिन अनार का ही लेंगे और क्या। कोई ठीक है, सब लोग आए या नहीं आए वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है चलो। ओके तो पिछले क्लास में हमने मैंने आपको पढ़ा दिया था आईसो सीरीज के बारे में। मैं बात कर रहा था आईसो मीन्स सेम, ठीक है। आईसो का मतलब सेम होता है। इसमें मैंने आपको आइसोटोप्स बताया था जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, यानी सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर होता है, दैट इज नोन एज आइसोटोप्स। ये स्कूल में भी पढ़ा है आपने। फिर मैंने आपको आइसो बार के बारे में बताया। आइसो बार का मतलब होता है जिसका जिसके अंदर मास सेम होता है, जिसके अंदर मास सेम होता है बट एटॉमिक नंबर अलग होता है, एटॉमिक नंबर अलग होता है, दैट इज नोन एज आइसो बार। इसको आइसो बार बोलते हैं। तीसरा आइसोटोन्स है, आइसोटोन्स जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होता है, दैट इज नोन एज आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। इसके अलावा मैंने आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बताया था। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर नोन एज आइसो गुड इवनिंग ओके हाँ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक चेंज करना पड़ेगा सेटिंग में जाके, ठीक है। हाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब मैंने बताया था आपको, जिसके अंदर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट इज नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको उसका, वापस समझाऊंगा डोंट वरी, ठीक है। तो पहला भी आइसो टोन्स यहाँ पर देखते हैं। देखो आइसोटोन्स के बारे में पहले तो डेफिनेशन क्या है। आई थिंक आइसो बार हमारा नहीं हुआ था, एग्जाम्पल नहीं बताया था मैंने। मैं वापस आपको पिछले पेज को ला के बता दूंगा, डोंट वरी, पहले ये देख लो। तब तक द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई आर कॉल्ड आइसोटोन्स, है ना। जिसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स अलग अलग है बट उनके अंदर न्यूट्रॉन सेम है, ऐसे को हम बोलते हैं आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। बस एग्जाम्पल आप देख सकते हो, बोरॉन और कार्बन को देखो। आपको पता है ना मैंने आपको सिखाया है न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। मुझे बताओ बोरॉन में कितने न्यूट्रॉन दिख रहे हैं आपको, वो बताओ मुझे। बोरॉन में न्यूट्रॉन कितने, मैसेज आप बोलोगे नहीं, मैसेज करके बताओ बोरॉन में कितने न्यूट्रॉन है। परफेक्ट, दो लोगों ने आंसर दिया। इतना सिंपल आंसर, सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, आंसर आने चाहिए फटाक से, ठीक है। तीन लोगों ने आंसर दिया है। और वही अगर मैं आपको कार्बन में पूछूं तो कितने हैं, कार्बन में कितने हैं? परफेक्ट, वही तीन लोगों ने आंसर दिया वापस। ओके ठीक है कोई बात नहीं। चलो अंकिता 12 कैसे, 6 ना। कैसे करते हैं हम, ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर से माइनस करते हैं, है ना। 11 माइनस 5 इज 6, दैट इज हाउ वी कैलकुलेट न्यूट्रॉन्स, है ना। सिमिलरली हम देख सकते हैं 12 माइनस 6 6, तो दोनों में आप देख सकते हो दोनों के अंदर न्यूट्रॉन सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर। आप देख सकते हो उन्होंने वही किया, ए माइनस जेड 6 और 6। जब कभी भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा एमसीक्यू टाइप में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, चार ऑप्शन होंगे, ठीक है। चारों में आप क्या करना है, उनके मास को
उसके एटॉमिक नंबर से माइनस करके आपको चेक करना है कि किसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे वो एक दूसरे के आइसोटोन्स है, वो एक दूसरे के आइसोटोन्स है, बाकी इसमें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल है ये। समझ में आया? यस सर। है ना, सिंपलेस्ट टॉपिक है इसमें, क्या इतना कुछ टफ है भी नहीं कि कुछ और बताया जाए। चलो ये हो गया। उसके बाद है ना आइसो इलेक्ट्रॉनिक, मैं वापस बता देता हूँ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक अगर आपको पता होगा तो मैंने बताया था नियॉन, ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था सोडियम प्लस, मैग्नीशियम प्लस टू, एल्यूमिनियम प्लस थ्री, है ना, एफ माइनस, ओ टू माइनस, एन थ्री माइनस। इन सबको आप फाइंड करके देखो, इन सबके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन सेम ही मिलेंगे। आपको पता है नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। एटॉमिक नंबर कितना है? 10। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे उसके अंदर? 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? परफेक्ट, है ना, सब पता होगा, मैंने लाइन वाइज किया है, कुछ भी टफ नहीं है। सोडियम का 11 है, मैग्नीशियम का 12 है, एल्यूमिनियम का 13 है, ठीक है, एल्यूमिनियम का 13 है। मुझे बताओ सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन लग रहे हैं आपको भी? जल्दी बताना, ये टॉपिक प्रीवियसली हो गया है ना, क्लियर है आपको? क्लियर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने? 10। कैसे पता चला? एटॉमिक नंबर कितना है? 11। एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए? 11, पर उसके ऊपर प्लस चार्ज है। इसका क्या मतलब है? उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया गया है तो 11 इलेक्ट्रॉन थे बट एक निकाल दिया तो बचे कितने? 10। सेम मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो 12 इलेक्ट्रॉन थे इसमें बट प्लस टू चार्ज है, इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन निकाल दिए इसमें से, वो भी 10 है। सिमिलरली एल्यूमिनियम 13 है तो इलेक्ट्रॉन भी 13 थे बट प्लस 3, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, तो सब में 10 10 10 10 आ रहे हैं। अब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9। तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 9। आप देख सकते हो उसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 9 तो थे ही, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 10। ऑक्सीजन 8, दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 10। नाइट्रोजन 7, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा 10। तो आप देख सकते हो इन सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इन सबके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ही है। देयरफॉर ये सब आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सब आपस में एक दूसरे के क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्लियर? यस सर, दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था, वापस बता दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये नहीं है इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आपको इस चैप्टर में नहीं बताया गया, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, ठीक है, और भी एक्स्ट्रा बताना है, बाद में बताऊंगा, फिलहाल पहले बुक का कवर करते हैं। दो एक्स्ट्रा और होते हैं, नाम बता रहा हूँ, फिलहाल नाम बता देता हूँ ताकि किसी को अगर सर्च करना है तो सर्च भी कर सकते हो। दो और एक्स्ट्रा है, दैट इज आइसो डायफर्स, आइसो डायफर्स एंड आइसो स्टर्स, आइसो डायफर्स एंड आइसो स्टर्स, ठीक है, मैं आपको नाम लिखता हूँ, एक मिनट रुको। सर्च करना आप कर सकते हो बट मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं, पहले बुक को कवर करते हैं। अभी बीच में मत सर्च करने जाना प्लीज, फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं जो बता रहा हूँ वो सब सुनते जाओ। ये नाम मैंने बता दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाद में इसको लेक्चर खत्म होने के बाद सर्च कर सकते हो, आइसो डायफर्स एंड आइसो स्टर्स, ठीक है। आप सिर्फ एक काम करना मेरे लिए अगले क्लास में, अभी नहीं, सिर्फ इसके एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आना, ठीक है। मैं आपको इसका मतलब अभी बता देता हूँ, मतलब अभी बता देता हूँ, आप एग्जाम्पल ढूंढ के लेके आओगे। देखो आइसो डायफर का मतलब क्या होता है? आइसो डायफर का मतलब होता है जिसके अंदर, ध्यान से सुनो, आइसो डायफर का मतलब होता है जिसके अंदर ए माइनस टू जेड की वैल्यू सेम होती है। किसकी वैल्यू सेम होती है? ए माइनस टू जेड, मतलब हाइपोथेटिकली समझो मैं n ले लिया, एक x एक y, ठीक है, एक x और एक y। अब मैंने यहाँ पर ले लिया 16, ठीक है, और यहाँ ले लिया मैंने समझो 5, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर मैंने ले लिया 18, जस्ट अ मिनट, सिक्स, हाँ। अब देखो इसमें से अगर आप a माइनस टू जेड करोगे, a माइनस टू जेड, ए की वैल्यू कितनी है? 16, z की वैल्यू कितनी है? 5, 5 टू जा 10,
तो 16 माइनस 10 इज 6, 16 माइनस 10 इज 6. सिमिलरली इसमें करके देखो, इसमें क्या आएगा 18, 18 माइनस 6 टू जा 12, तो 18 माइनस 12 इज 6. तो दोनों के अंदर ये दोनों जो मैंने हाइपोथेटिकल एग्जांपल सेट किए, इन दोनों के अंदर आप देख सकते हो a माइनस 2z की वैल्यू सेम है, a माइनस 2z की वैल्यू सेम है. देयरफॉर दे बोथ आर आइसो डायफर्स ऑफ ईच अदर, दे बोथ आर आइसो डायफर्स ऑफ ईच अदर. समझ में आया? मैंने तो हाइपोथेटिकल लिया, आप मुझे एग्जांपल ढूंढ के बताओगे अगले क्लास में, आपका ये काम है. मैंने मतलब समझा दिया, कुछ नहीं करना होता है, a माइनस 2z फाइंड करना होता है. जैसे आइसोटोन्स में हम a माइनस z पता करते हैं, ऐसे आइसोडायफर्स में हम a माइनस z पता करते हैं, a माइनस z पता करते हैं. समझ में आया? कितना क्लियर है? यस सर. एक्स्ट्रा है ये, एक्स्ट्रा है, आप चाहिए तो लिख सकते हो. ये आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलने वाला है, ये सब एंट्रेंस एग्जाम के लेवल पर पढ़ाया जाता है, तो भी मैंने अभी आपको बता दिया. ओके, एक और बच गया, दैट इज आइसोस्टर्स. अब वो क्या होता है वो भी सुनो, उसके भी एग्जाम्पल आप मुझे निकाल के अगले क्लास में बताओगे. चाहिए तो आप, हाँ आप लोग ग्रुप में पोस्ट नहीं कर सकते, राइट? एक काम करना, ग्रुप में तो पोस्ट नहीं कर सकते एटलीस्ट, बट मैं किसी एक को काम दे दूंगा लास्ट में, वो मुझे ना मेरे नंबर पे मैसेज फोटो खींच के भेज देना, मतलब स्क्रीनशॉट निकाल के भेज देना आपको अगर एग्जाम्पल मिले तो. ये इतना काम कर लेना मेरा, ठीक है? मैं किसी एक को बोलूंगा लास्ट में, तो उतना काम कर लेना. नंबर तो आपके पास रहेगा ग्रुप में से, आप देख सकते हो नंबर, तो मेरे नंबर पे आपसे स्क्रीनशॉट भेज देना निकाल के एग्जाम्पल, क्योंकि बुक में है नहीं, ठीक है? और मैं फिर बोल जाऊंगा निकालना, इससे बेटर है आप निकाल के इतना सा कर लेना. ओके, नेक्स्ट इज आइसोस्टर्स. ध्यान से सुनना, आइसोस्टर्स क्या होता है. देखो आइसोस्टर्स का मतलब होता है, जैसे आपने आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब जान लिया, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं उसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं. वैसे आइसोस्टर्स क्या होता है, आइसोस्टर्स का मतलब होता है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है, के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है और नंबर ऑफ एटम भी सेम है, उसको हम आइसोस्टर्स बोलते हैं. अब इसका बेस्ट एग्जांपल, ये तो प्रॉब्लम, रुको मैं एक मिनट, एग्जाम्पल के बिना आप लोगों को समझ में नहीं आएगा कि मैंने बोला क्या. जस्ट अ मिनट, एग्जाम्पल चाहिए मुझे, एक मिनट रुक जाए. हाँ मिल गया, चलो. रुको मैं बताता हूँ, बताता हूँ. नहीं नहीं, ऐसे सिलिकॉन और कार्बन नहीं, ठीक है? सिलिकॉन कार्बन भी होते होंगे. आप ध्यान देखो, मैं आपको एक फेमस एग्जाम्पल बताता हूँ, वही चलता है, CO2 और N2O, ये बेस्ट एग्जाम्पल है. कैसे? देखो काउंट करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं. चलो पहले एक काम करो, मुझे ना आप सब लोग पहले है ना, कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं वो मैसेज करके बताओ. कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो मैसेज करो. चलो कार्बन डाइऑक्साइड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं वो मैसेज करो, काउंट करो और मुझे बताओ टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं. ठीक है, दो लोगों ने आंसर बता दिया और दोनों का सही भी है. जिनका हो गया वो लोग N2O का निकालो, N2O में कितने है? ओके, बाकी सब भी यहाँ कुछ ही लोग के आंसर आ रहा है, इसलिए ये मत सोचना एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा नहीं है, काम का ही है सब. मिला आंसर?
ओके, कार्बन डाइऑक्साइड में देख सकते हो कार्बन के पास 6 होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन के पास 6 थे, ऑक्सीजन के पास 8 होता है, बट आपको पता है ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इसका मतलब है 8 2 16 प्लस कार्बन के 6 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। सिमिलरली N2O को देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी कितने हुए 7, बट नाइट्रोजन है कितने 2, तो 7 2 14 प्लस ऑक्सीजन 8, 14 8 22, मतलब दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गए, अभी दोनों एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो हो गए क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन तो सेम है, बट आप देखो दोनों के अंदर एटम भी सेम है, ऐसे एटम सेम 1 और 2 कितने एटम हुए 3, ये भी कितने 2 1 3, ये मैं कहना चाहता था, मतलब एक दो ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भी सेम है और नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, they are said to be isostars of each other, they are said to be isostars of each other. अगर अभी इस लेवल पे अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो ठीक है, बट अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा जब होता है they are known as isostars of each other, समझ में आया, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होते हैं और जिनके अंदर नंबर ऑफ एटम्स भी सेम होते हैं, they are known as isostars of each other. इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों में 22 है, 22 है, और दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स 3 है. That's why they are isostars of each other. समझ में आया? Yes sir. ठीक है, तो ये होता है isostars. अब यहाँ पर कुछ लोगों ने आंसर गलत दिए थे. आप लोगों को इलेक्ट्रॉन निकालने आता है ना? इसमें 22 इलेक्ट्रॉन समझ में आया सबको? किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ. 22 इलेक्ट्रॉन कैसा है वो समझ में आया? इसका मतलब ये नहीं कि भूल जाओ, अगर इतनी मेहनत की है हमने, टाइम यूज किए तो डेफिनेटली उसको याद रखोगे, ठीक है. तो आइसो सीरीज में टोटल 6 है, आइसोटोप्स, आइसो बार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो डायफर्स एंड आइसोस्टर्स, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, हो गया हमारा आइसो सीरीज खत्म. अब देखो ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. रदरफोर्ड ने क्या डिस्कवर किया था आपको पता ही है, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, है ना, उसने न्यूक्लियस डिस्कवर. देखते हैं इसमें क्या लिखा है. ओके, लेट अस नाउ गो बैक टू द पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन द रदरफोर्ड पुट फॉर हिज न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, दैट इज की टू अ मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम. परफेक्ट, उन्होंने बोला था कि एटम एकदम बिल्कुल कैसा दिखता है, सोलर सिस्टम की तरह है. जैसे सोलर सिस्टम के अंदर सेंटर में सन है, उसके आजू बाजू क्या है, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही एटम के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, है ना. बीच में कौन है, न्यूक्लियस, और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिवॉल्व करते हैं, ऐसा उन्होंने बोला, ठीक है. द न्यूक्लियस प्लेइंग द रोल ऑफ अ मैसिव सन एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर लाइटर प्लैनेट्स. इलेक्ट्रॉन इन दिस मॉडल कुड नॉट बी स्टेशनरी एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सर्टेड वुड पुल देम टुवर्ड्स इटसेल्फ एंड दिस वुड फॉर्म अ मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल. हाउएवर the electrons revolving around the nucleus as described by Rutherford also pose a problem. ध्यान से पहले सुनो इन्होंने क्या लिखा, देखते हैं इन्होंने पता नहीं क्या लिखा है वो देखते हैं पहले, मैं आपको समझाता हूँ क्या गया है. Electrons in the Rutherford model are negatively charged particle in the orbital motion. Such orbital motion is an accelerated motion accompanied by a continuous change in the velocity of electron as noticed from continuously changing direction. According to electromagnetic theory of Maxwell, accelerated charge particle would emit electromagnetic radiation. An electron in an orbit emit radiation equivalent energy possessed by the radiation associated with the electronic motion. आप लोग समझ में, आपको समझ में आ रहा है क्या लिखा है? Anyone? No sir. ठीक है ठीक है, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान दो ये सब चीज़, मैं बताता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं. देखो क्या हुआ, Rutherford ने जो मॉडल दिया था ना, ध्यान दो यहाँ पर क्या बोला Rutherford ने, जो मॉडल दिया Rutherford का क्या कहना था कि ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर थोड़ा फिजिक्स भी है, और ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा, बहुत ध्यान से सुनना प्लीज। अगर आपके आजू बाजू नॉइज है तो थोड़ा दूर रहो फिलहाल, और समझो कि कुछ एकदम डिफरेंट आने वाला है आपके लिए, आपने ये सब पहले नहीं सुना होगा डेफिनेटली। ऐसा कुछ मॉडल बताया रदरफोर्ड, हम भी अभी यही तो देखते हैं, फिर गड़बड़ कहाँ हो गई उससे, उन्होंने तो सही बोला है, गड़बड़ कहाँ, यहाँ ये न्यूक्लियस हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन जा, ये सब इलेक्ट्रॉन जा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम हो गई फिर, सही तो बताया उन्होंने, गड़बड़ ये हुई। ध्यान से सुनो, देखो थोड़ी बहुत फिजिक्स है जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आपको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, पहले ये बताओ कोई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, पहले वो बताओ, एनीवन, किसी को तो पता होगा, स्पीड सर, हाँ बोलो 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 सर, स्पीड को ये डायरेक्शन रहता है, वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहते हैं। अब मुझे एक चीज बताना आप लोग, आपको पता है जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है, मेरी बात ध्यान से सुनना, थोड़ा फिजिक्स के बारे में पूछ रहा हूँ और यहाँ पे जरूरत भी है, जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन कितना होता है, एनीवन, एनीवन, लैंड्रो आप बताओ, जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है, परफेक्ट परफेक्ट, यहाँ पे कुछ लोग बोल रहे हैं बट उनकी आवाज परफेक्ट नहीं आई, परफेक्ट परफेक्ट, सही सबने सही बोला, एक्सेलरेशन है जीरो, velocity is constant, then acceleration is zero. अब ठीक है, ये भी बात सही होगी। अब मुझे कोई एक बता सकता है, आपके घर पे सबके घर पे अभी फिलहाल फैन चल रहा होगा, है ना, फैन तो सबका चल ही होगा, आपको पता है फैन जब अभी चल रहा है तो फैन तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल रहा होगा, उसकी स्पीड तो सेम है ना, ऐसे तो नहीं हो रहा ना किसी, चलो ये मत सोचना कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वेरिएशन हो रहे हैं लाइट के अंदर और पंखा कम ज्यादा हो रहा है, वो मत सोचो, समझो कि फिलहाल अभी आपके घर पे पंखा जो चल रहा है वो सेम स्पीड पे चल रहा है, तो मुझे कोई बता सकता है कि वो जो चल रहा है पंखा वो उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, ये बताओ, उसमें एक्सेलरेशन है या नहीं है, एक्सेलरेशन उसका जीरो है या इसका एक्सेलरेशन है, इन शॉर्ट मैं ये पूछ रहा हूं, वो एक्सेलरेटेड मोशन है या एक्सेलरेटेड मोशन नहीं है, ये बताओ, सोच रहे होंगे ये कहां से आ गया अचानक से, बट है ऐसा कुछ यहां पे, लैंड्रॉय जीरो से स्टार्ट नहीं करना है हमें, वो नहीं, अब मैं अभी बोल रहा हूँ इस इंस्टेंट पे, जब अब आपके घर पे पंखा चल रहा है, हमने जब पंखा स्टार्ट किया वहां से बात कर ही नहीं रहा हूँ, अभी जो पंखा चल रहा है आपका, जिस स्पीड से अभी आपका पंखा चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, अब जब पंखा जब चल रहा है तब एक्सेलरेटेड है या नहीं है वो बताओ, अभी काफी लोगों ने यहाँ पे लिखा है नॉट एन एक्सेलरेटेड, है ना सिमरन, आप बोल रहे हो है, कैसे बताओ, हाउ, कैसे कैसे एक्सेलरेटेड हुआ, ज्यादातर लोगों ने क्या लिखा, नॉट एक्सेलरेटेड, बहुत सारे लोगों ने नॉट एक्सेलरेटेड लिखा, आपने किस सेंस में बोला एक्सेलरेटेड है, कैसे एक्सेलरेटेड हुआ, क्यों क्यों सब लोग बोल रहे हैं एक्सेलरेटेड नहीं है, क्यों, क्योंकि पंखा तो सेम स्पीड से चल रहा है, उसकी वेलोसिटी तो सेम है, तो उसकी वेलोसिटी सेम है, नंदिनी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात ही नहीं आने वाली, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, पंखा तो सेम स्पीड से चल रहा है ना, तो पंखे की वेलोसिटी तो सेम है, अच्छा इतना बता सकते हो, चलो ये सब भूल जाओ, मुझे बताओ पंखा अभी जो चल रहा है उसकी वेलोसिटी सेम है क्या, भाई अजीब से क्वेश्चन जरूर है बट यही सब आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा, वेलोसिटी सेम है क्या, प्लीज प्लीज रिप्लाई रिप्लाई रिप्लाई, यस ओके, आंसर इज नो, ये क्या बात हुई, ऐसे कैसे बोल दिया सर, और मैं बताऊं आपको दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्यों पता है आपको, इसीलिए तो मैंने आपको स्केलर्स वेक्टर्स सब पूछा था, देखो जब कभी भी सर्कुलर मोशन होता है ना, जब कभी भी सर्कुलर कोई भी चीज सर्कुलर मोशन में चलती है तो अगर उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट भी है ना तो भी वो एक्सेलरेटेड मोशन है, कैसे हुआ ऐसा, क्योंकि ध्यान दो अभी यहाँ पर पूरा, देखो जब सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये देखो यहाँ पर मोशन हो रहा है सर्कुलर मोशन, आप देख सकते हो कि वेलोसिटी ये जब भी मैं पॉइंट को अलग कलर से ड्रॉ करता हूँ, ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे इतना कुछ वेलोसिटी होगी,
बट आप देख सकते हो इस पॉइंट पे वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये डायरेक्शन। सिमिलरली जब पॉइंट यहाँ आया होगा पंखे का, तब वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, ये है। जब यहाँ आया होगा तो डायरेक्शन क्या है, ये है। जब यहाँ आया होगा तो डायरेक्शन क्या है, ये है। तो आपको पता है कि आपका जो पंखा चल रहा है ना उसकी मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है, समझो वो चल रहा है जो भी चल रहा है, ऐसे हाइपोथेटिकली मैं बोल रहा हूँ, समझो वो चल रहा है 15 मीटर पर सेकंड, ऐसी हाइपोथेटिकल कुछ भी नंबर समझ लो, कोई भी नंबर, सब नंबर में बोलना अभी अजीब रहेगा, बट कोई भी नंबर अज्यूम कर लो, उसकी मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है बट उसका डायरेक्शन कांस्टेंटली चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन कांस्टेंटली चेंज हो रहा है। और आपको पता है इसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। ठीक है, अगर अगर एक, इसीलिए जब लीनियर मोशन होता है, कोई लीनियर मोशन सीधा सीधा चल रहा है कोई इंसान, और उसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है, अगर आप बाइक चला रहे हो और बाइक की स्पीड कांस्टेंटली 60 मीटर पर सेकंड है, तो एक्सेलरेशन जीरो है। क्यों? क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। आपने डायरेक्शन कहां चेंज किया, अपने डायरेक्शन कहां चेंज किया? तो जब मैग्नीट्यूड और वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन मूव, तो वो एक्सेलरेटेड मोशन नहीं होता। पर सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है, सर्कुलर मोशन में अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल भी रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल भी रहा है ना, उसका मैग्नीट्यूड सेम है बट उसका डायरेक्शन कांस्टेंटली चेंज हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। वहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम नहीं बोल सकते वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसकी स्पीड सेम है, वेलोसिटी इज नॉट सेम। समझ में आया? तो अगली बार से अगर आपको कोई भी पूछे, कोई भी सर्कुलर मोशन पूछे, कोई भी सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है, सर्कुलर मोशन हमेशा एक्सेलरेटेड होता है। समझ में आया? और यही इसके पीछे रीजन, अभी यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, अभी ध्यान से सुनना, ये सब मैंने पूछा इसके पीछे। अब रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि इस न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके आजू बाजू इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अब इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, और सर्कुलर मोशन अभी मैंने आपको बताया कि सर्कुलर मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड अगर कांस्टेंट है भी तो भी इसका डायरेक्शन तो सेम नहीं है, और इसी वजह से इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होने वाली है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है देयरफॉर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन, देयरफॉर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं वो एक्सेलरेटेड मोशन है। और मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट थे, उनका कहना था कि जब भी चार्ज, ध्यान से सुनना, मैक्सवेल करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बोला था कि जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है, जब कभी भी कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे कि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, जब कभी भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है ना, तो वो हमेशा एनर्जी एमिट करता है, हमेशा वो एनर्जी एमिट करता है, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज, थोड़ी देर में रुक जाएगा, इतना ध्यान रखो अभी के लिए कि एनर्जी एमिट करता है, ठीक है, वो क्या करने वाला है, एनर्जी एमिट करने वाला है। इतना समझ में आपको आया क्या मैंने क्या बोला? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इतना आपको समझ में आ गया, ये सब फिजिक्स है, यहाँ पर फिजिक्स कुछ कर नहीं सकता। जब आपको पता है इलेक्ट्रॉन तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसकी स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी अलग है, वेलोसिटी अलग है तो इट्स एन एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन है तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थियरी एक्सेलरेटेड पार्टिकल है तो एनर्जी एमिट करेगा। अब आप सोचो कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में, ध्यान से सुनना मेरी बात, समझो न्यूक्लियस से तीसरी वाली ऑर्बिट में अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तीसरी वाली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, बट जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो अपनी एनर्जी लूज करेगा। अगर वो अपनी एनर्जी लूज करेगा तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन किधर आने लगेगा, नजदीक, किसके नजदीक आएगा, न्यूक्लियस के। क्योंकि आप जब आगे पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, ध्यान देना यहाँ पर, समझो कि ये न्यूक्लियस है, ये ऑर्बिट है, पता है आपको, जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हो, मतलब जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट्स में जाते हो वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती है। समझो हाइपोथेटिकल इसकी वैल्यू 5 है तो इसकी 10 है, इसकी 15 है, और आगे जाओगे तो 20 होगी, 25 होगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही। तो समझो कि इलेक्ट्रॉन यहाँ रिवॉल्व कर रहा था,
और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन यहाँ तभी रिवॉल्व करता कर सकता है जब उसके पास एनर्जी कितनी होगी, 50। जैसे वो रिवॉल्व करते जा रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन, एनर्जी लिबरेट करेगा, एनर्जी लिबरेट करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगी उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 10। तो वो इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकेंड ऑर्बिट में आ जाएगा और 10 में घूमेगा। जैसे 10 में घूमेगा, 10 में घूमते रहेगा उसकी एनर्जी वापस एमिट करेगा, तो वापस उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, फिर से किस में आ जाएगा, 5। फिर 5 में चलेगा उसकी एनर्जी और कम हो जाएगी। तो फाइनली ऐसे करते 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 इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। इलेक्ट्रॉन किधर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला गया तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा, बट नेचर में तो ऐसा पाया गया है कि एटम तो स्टेबल है, एटम तो अनस्टेबल है ही नहीं, एटम तो स्टेबल है। ये क्वेश्चन पूछा गया रदरफोर्ड को, बताइए इसका आंसर। आपके हिसाब से आपने सब सही बताया कि न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके आजू बाजू ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहे हैं तो एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रहे, तो मैक्सवेल थियरी के अकॉर्डिंग एनर्जी एमिट कर रहे होंगे। एनर्जी एमिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे 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 अपनी एनर्जी लूज करते 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 फाइनली न्यूक्लियस में चला जाएगा। और न्यूक्लियस में अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन गया तो एटम अनस्टेबल हो जाता है, बट नेचर में तो ऐसा पाया ही नहीं गया, नेचर में तो हम देखते हैं कि एटम तो स्टेबल है। इसका आंसर बताओ, ऐसे जान खाते थे साइंटिस्ट लोग, बेचारे रदरफोर्ड ने इतना अच्छा मॉडल दिया और कहाँ कहाँ से नई नई थियरी निकाल निकाल के पूरी बैंड बजा दी। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, sir. तो इसके हिसाब से, उनका कहना था कि इलेक्ट्रॉन अभी कौन से पाथ फॉलो करेगा, फिर स्पाइरल पाथ। इलेक्ट्रॉन कौन सा पाथ फॉलो करेगा, स्पाइरल। देख सकते हो, समझो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते एनर्जी कम हो जाएगी, फिर नीचे आ जाएगा, फिर ऐसे करते 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 नीचे आएगा, और नीचे आते आते फाइनली वो किधर चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर, और एटम अनस्टेबल हो जाएगा। बट ऐसा नहीं, ये सब यहाँ पर इस पैराग्राफ में लिखा है जो आपको समझ में नहीं आया। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? अब आप ब्लैक लाइंस को देखो, क्या लिखा है ब्लैक लाइंस में। Thus an electron orbiting about the nucleus would follow a spiral path to the nucleus. It can be seen that the Rutherford's atomic model has an intrinsic instability of atom. However, real atoms are stable. इसका आंसर रदरफोर्ड नहीं दे पाए, इस तरह से दूसरे साइंटिस्ट लोगों ने फंसा दिया। ये तो रूल है, अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको गलत प्रूफ करने के लिए हजारों लोग आ जाएंगे, और ऐसा ही होता था पहले भी। तो रदरफोर्ड इसका आंसर नहीं दे पाए। अब वापस एक बार आप लोग सब ये पूरा पैराग्राफ पढ़ के देखो, इसमें कुछ लाइंस नहीं समझ में आएगी और उसकी जरूरत भी नहीं समझ में आई तो इट्स ओके, जितना समझाना चाहिए था उतना मैंने पूरा समझा दिया। एक बार आप सब इस पैराग्राफ को पढ़ो, चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 38 हुआ है, 40 पे मैं रुक जाऊंगा, पढ़ो पढ़ा। सौरभ बाद में, पहले पढ़ो सौरभ, मैं बताऊंगा इसका आंसर आ गया है।
पढ़ा? ठीक है, पढ़ो पढ़ो, अभी भी रुक रहा हूँ, अच्छे से पढ़ो। आई होप आपको ऑलमोस्ट 80% समझ में आ गया होगा यहाँ पर क्या लिखा है। जो पहले मैं न्यूज़पेपर की तरह पढ़ रहा था फटाफट फटाफट, आई होप अभी आपको क्लियर है। यहाँ पर आपने बहुत कुछ नया सीखा जो आपने पहले कभी नहीं सोचा होगा। जैसे फैन के बारे में मैंने अभी आपको समझाया कि फैन जो भी चल रहा है स्पीड सेम है, वेलोसिटी अलग है। वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते, क्यों? डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, देयरफॉर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्लियर है इतना सबको? यस सर। ओके यस सर। यस सर। ये पार्ट इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने यही लिखा है, ऑर्बिट द ऑर्बिट वुड देयरफॉर श्रिंक कंटिन्यूअसली। द लैंग्वेज अलग है, श्रिंक कंटिन्यूअसली मतलब नीचे नीचे आते जाएगा, है ना। दस एन इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अबाउट द न्यूक्लियस वुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ टू द न्यूक्लियस। ठीक है, और इस तरह से एटम अनस्टेबल हो जाएगा जबकि एटम स्टेबल है। ठीक है, इसमें एक वर्ड जरूर आया होगा जो हमेशा याद रखना, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या एमिट करता है? एनर्जी। और किस फॉर्म में एनर्जी एमिट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। इट एमिट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, इसमें एक जरूर एक वर्ड आया होगा, एक वर्ड आया होगा स्टेशनरी ऑर्बिट। मुझे अभी मिल नहीं रहा है बट जरूर ये वर्ड आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। आई थिंक जो मैंने जब पढ़ा था तो मुझे से लग रहा है हाँ है स्टेशनरी। इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉडल could not be stationary. तो एक वर्ड है स्टेशनरी। क्या हुआ? ओके ओके, ठीक है, तो इतना समझ में आ गया आपको। ओके, अब का माना जाता है, अब इसको इसका आंसर किसने दिया? साइंटिस्ट जो थे नील बोर। सुना है किसी ने नाम पहले? सुना होगा नील बोर। एनीवन? नील बोर सुना? और लेक्चर रुक जाएगा थोड़ी देर में, प्लीज फटाक से ज्वाइन कर लेना। आई थिंक रुकने ही वाला है ऑलमोस्ट। नील बोर सुना है क्या किसी ने? कभी नहीं सुना। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके ओके।